और दोस्तों, जैसा कि नागिन 4 का आपको दूसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूं, तो स्वागत करता हूं अपने चैनल पर पूरी स्टोरी और पूरे ड्रामा के साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप सभी को बता देता हूं कि नागिन 4 में निया शर्मा के साथ साथ में आप सभी को बता जैस्मिन भसीन की एंट्री हो चुकी है। जैस्मिन भसीन एक नागिन का रोल प्ले कर रही हैं। उनके साथ साथ में अंकिता लोखंडे को भी आप नागिन 4 में देख पाएंगे। अंकिता लोखंडे का एक बहुत ही अच्छा रोल होने वाला है, जो कि जैस्मिन भसीन के साथ में मुख्य रोल होने वाला है, जो कि इन दोनों की आपस में किसी बेसिस पर टक्कर होती नजर आ पाएंगी, दो नागिन की आपस में टक्कर। लेकिन जो मुख्य नागिन की बात करते हैं निया शर्मा की, तो निया शर्मा जैस्मिन भसीन एक साथ में पहले भी एक दूसरे के साथ में स्क्रीन शेयर कर चुकी है। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जैस्मिन भसीन किसी के साथ में काम कर रही है। उसके साथ साथ में शीतल जायसवाल भी काम कर रही है अंकिता लोखंडे के साथ में। शीतल जायसवाल को आपने कुमकुम भाग्य में देखा होगा। वहीं सबसे ज़्यादा इस टाइम मिस की जा रही है मोनी रॉय, जो कि अर्जुन बिजलानी के साथ में रिसेंटली उन्होंने कुछ पिक अपलोड भी की हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद भी आएंगी। लेकिन मुद्दा ये है कि अंकिता लोखंडे क्या इस रोल के लिए सबसे परफेक्ट है? तो सेकंड एपिसोड में कुछ अलग दिखाया जाएगी, जो कि दो नागिन एक दूसरे के लिए लड़ती नजर आ पाएगी। आपको बता देता हूँ एक मेल एक्टर की एंट्री भी हो पाई है इस शो में। मेल एक्टर की बात करते हैं तो मेल एक्टर का हम आपको खुलासा इस वीडियो के अंत तक कर देंगे। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको इस वीडियो की तरफ। तो सबसे हॉट लुक में नजर आने वाली है, आप सभी को बता देता हूँ, निया शर्मा सबसे हॉट लुक में सबसे हॉट नागिन के रूप में नजर आने वाली है। हालांकि आपको पता है कि अगर हॉट लुक की बात करें तो अलीशा पनवर इसके लिए सबसे परफेक्ट थी, और किसी वजह से अलीशा पनवर अगर नागिन 4 में होती तो ये शो में 4 चांद लग जाते। लेकिन एकता कपूर की चॉइस इस टाइम निया शर्मा काफ़ी अच्छी चॉइस थी। उन्होंने अपनी फेवरेट स्टार, जो कि आप सभी को पता है कि अलीशा पनवर को लेना उचित नहीं समझा। वहीं सुरभि ज्योति का नाम भी शामिल था, लेकिन सुरभि ज्योति को भी नहीं लिया गया, क्योंकि सुरभि ज्योति ने सीजन 3 किया था नागिन सीजन 3, जो कि नागिन सीजन 3 भी कोई खास काम नहीं आ पाया। लेकिन जितना भी था ठीक था, क्योंकि सुरभि ज्योति काफ़ी अच्छा उसमें काम भी किया था। लेकिन फिलहाल मैं ये ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि जैस्मिन भसीन इसमें काम कर रही हैं, और ये सीरियल कैसा होने वाला है ये तो टाइम ही बता पाएगा। लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ, ये सीरियल अब कलर्स टीवी का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर सीरियल में से गिना जाता है, और सबकी निगाह इस टाइम अंकिता लोखंडे पर टिकी हुई है। कहीं ना कहीं दर्शक पहले सीजन 1 को ही इसमें ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि सीजन 1 जिस तरीका से दिखाया था, सीजन 1 काफ़ी अच्छा शो रहा था, जो कि लोगों ने काफ़ी प्यार और सपोर्ट दिया था। उसमें अलीशा पनवर के साथ साथ में मौनी रॉय, अर्जुन बिजलानी जैसे स्टार ने काम किया था, और वो सीजन सुपर हिट रहा था। लेकिन एकता कपूर की चॉइस इस टाइम कुछ और ही है। एकता कपूर चाह रही है कि जैस्मिन भसीन इसमें अच्छा रोल करें निया शर्मा के साथ में, जो कि निया शर्मा उनकी शुरू की ही फेवरेट चॉइस थी, जो कि इसमें कुछ बदलाव और भी किए जा रहे हैं, जो कि बदलाव के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिया था। बदलाव भी बहुत ही अच्छे किए हैं, क्योंकि बदलाव में देखा जाए तो उन्होंने एक से एक अच्छा बदलाव किया। जैस्मिन भसीन जिस तरीका के एक्टर नहीं, और जिस तरीका के उन्होंने काम किया है, उनका काम लाजवाब है, और निया शर्मा के साथ में उनकी जोड़ी परफेक्ट बैठ रही है, क्योंकि जैस्मिन भसीन नागिन 4 का हिस्सा बनकर काफ़ी खुश भी हैं। कहीं ना कहीं वो एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर कि ये नागिन 4 का हिस्सा हैं। और जैस्मिन भसीन की बात करें तो टेलीविज़न का सबसे मुख्य और सबसे फेवरेट चेहरा में से माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी शो में एक साथ भी काम किया था। वहीं बात करते हैं शीतल जायसवाल, तो शीतल जायसवाल का इसमें आना एक बहुत ही अच्छा दिलचस्प मोड दिखाया, जो कि शीतल जायसवाल एक चुड़ैल की भूमिका में नजर आने वाली, मतलब टक्कर देती नजर आ पाएंगी अपनी फेवरेट को स्टार निया शर्मा को। निया शर्मा को काफ़ी टक्कर देती नजर आएंगी। हालांकि निया शर्मा को तो आपको पता ही कि जमाई राजा की शूटिंग करने के बाद में अब फ्री हुई है। निया शर्मा काफ़ी अच्छी एक एक्टर नहीं, और उन्होंने काफ़ी सोन में काम भी किया था। निया शर्मा की बात करें तो उन्होंने पहले भी काम कर चुकी है, जो कि आप लोगों को पता ही, अर्जुन बिजलानी के साथ में वो इक्स में मरजावा में काम कर चुकी हैं। उसके साथ साथ में उनके साथ में अलीशा पनवर ने भी काम किया था। तो फिलहाल निया शर्मा के लिए कोई बड़ी बात नहीं कलर्स टीवी पे, क्योंकि वो पहले भी काम कर चुकी हैं। वहीं जैस्मिन भसीन की बात करें तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि नागिन 4 का हिस्सा है। हालांकि जितने भी पार्ट और जितने भी करेक्टर होने वाले नागिन 4 के लिए, सभी ने पहली बार किसी सीजन में हिस्सा लिया, क्योंकि नागिन 4 में अभी तक इनका कोई भी रोल नहीं है, और पहली बार ऐसा हो पा रहा है कि ये सभी हिस्सा होने जा रहे हैं। इससे पहले सुरभि ज्योति, मोनी रॉय, अर्जुन बिजलानी, अलीशा पनवर,
जैसे कलाकारों ने काम किया था और जो कि वो सुपर हिट रहा था, बल्कि मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी को तो आज के टाइम में भी याद किया जाता है। कहीं ना कहीं एक चीज़ और देखने को मिली है आप लोगों को, मैं बता देता हूँ कि मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी को मुख्य रोल जिस तरीका से था वो रोल आज भी पब्लिक याद करते हैं और कहीं ना कहीं दर्शक इसको मानते भी हैं कि कहीं ना कहीं वो नागिन से लगती भी हैं। तो सूत्रों के मुताबिक एक खबर और आ रही है कि इसमें फीमेल एक्टर तो काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन अगर मेल एक्टर्स की बात सुनने मारी तो मेल एक्टर इसमें चांस मिल सकता है अर्जुन बिजलानी को, जो कि निया शर्मा के साथ में परफेक्ट बैठेंगे, क्योंकि निया शर्मा के साथ में पहले भी काम कर चुके हैं। निया शर्मा की और उनकी जोड़ी जिस तरीका की बैठती है, आपको पता ही कि काफ़ी अच्छी जोड़ी बैठती है और एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन एक्टर ने एक दूसरे के साथ में पहले भी काम किया हुआ। तो उसी की बेसिस पर आपको बता देता हूँ कि बहुत जल्दी आपको एक नया एपिसोड देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग काफ़ी इसको पसंद भी करेंगे। जिस तरीका से इनकी बॉन्डिंग दिखाई जाएगी आपस में, आप काफ़ी एक्साइटेड हो पाएंगे। तो इसमें एक चीज़ और है, अलीशा पनवर इसके लिए पहले भी बोल चुकी हैं कि नागिन 4 इस सीज़न में काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि अलीशा पनवर खुद भी ये जानती हैं कि ये तो सुपरहिट पहले से ही सुपरहिट, क्योंकि तीनों पार्टीज के सुपरहिट रहे थे। तो नागिन 4 के लिए हालांकि उनकी चॉइस थी कि किसी तरीका से अलीशा पनवर अपनी निया शर्मा के साथ में काम कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया किसी वजह से और उनकी जगह फिर जैस्मिन भसीन तो ली गई हैं, क्योंकि अलीशा पनवर की जगह ही जैस्मिन भसीन का नाम सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो काफ़ी खुश भी हैं जैस्मिन भसीन की किसी एक्टर की जगह उन्होंने ली है। हालाँकि आपको पता है कि सबसे बेस्ट कलाकारों में अगर गिनी जाती हैं तो अलीशा पनवर अच्छे एक्टर में गिनी जाती हैं और कहीं ना कहीं उनकी तारीफ योग्य है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है और एक्टिंग की उनकी काफ़ी सुर्खियों बटोरती हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चलो ये भी अच्छा हुआ है कि इसमें शीतल जायसवाल है, शीतल जायसवाल का काफ़ी अच्छा रोल होने वाला है, जो कि लोगों को काफ़ी एंटरटेनमेंट होगा। इसमें फुल रोमांस से भरा होने वाला है, रोमांस के साथ साथ में अंकिता लोखंडे इसमें पूरा गेम प्लान करेंगी, जो कि इस लोगों को काफ़ी पसंद भी आएगा। और इसमें रोमांस के साथ साथ में नागमणि के ऊपर दिखाया जाएगा ये, क्योंकि नागमणि इस तरीका से दिखाया जाएगा कि लोग इसमें पूरा एक्साइटेड होकर इस शो को पूरा प्यार देंगे और कहीं ना कहीं पूरी सपोर्ट इस शो के लिए करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इससे पहले भी नागिन फोर के लिए काफ़ी एक्टर्स का ऑडिशन लिया गया, लेकिन जो इसमें सेलेक्ट हुई हैं वो एकता कपूर ने सेलेक्ट की हैं, अंकिता लोखंडे, शीतल जायसवाल, जैस्मिन भसीन, निया शर्मा जैसी टीम उन्होंने खड़ी कर दी है और जो कि शूटिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा एपिसोड के बारे में जिस तरीका से दिखाया गया, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है और कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड आपको दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों आप इंतज़ार ख़त्म हुआ, आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि अलीशा पनवर को सबसे ज़्यादा याद किया जा रहा है, क्योंकि निया शर्मा खुद उनको याद कर रही, निया शर्मा की काफ़ी क्लोज है और कहीं ना कहीं इन दोनों की आपस में पर्सनल बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा है, जो कि निया शर्मा नागिन 4 के लिए चाहती थी अलीशा पनवर किसी तरीका से उनका साथ आ जाएं, क्योंकि उनकी पर्सनल बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, एक दूसरे कलाकारों के साथ में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अगर किसी वजह से एंट्री होती है तो मैं आपको अपनी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा और ये न्यूज़ में ज़रूर आपको दूंगा किसी भी तरीका से अगर ऐसा होता है। निया शर्मा को तो आपको पता है आजकल वो अपने बोल्ड अंदाज को लेकर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, इसके लिए उन्होंने काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि नागिन 4 का हिस्सा बनना कोई इतना आसान नहीं था उनका रास्ता, जो कि उन्होंने काफ़ी कठिनाई का सामना किया था और काफ़ी ऑडिशन पार करने के बाद में वो नागिन 4 का हिस्सा बन पाई हैं। तो निया शर्मा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी कि वो नागिन सीजन का हिस्सा हो रही हैं, लेकिन फिलहाल की एक थोड़ा सा नागिन को दुख रह गया, क्योंकि अगर अलीशा पनवर इस शो में होती तो काफ़ी अच्छा होता। चलो कोई नहीं, जैस्मिन भसीन भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया भी है, कहीं ना कहीं वो पहले भी काफ़ी शो का हिस्सा बन चुकी हैं, तो दर्शकों को उनसे काफ़ी उम्मीद है। उम्मीद तो ये भी थी कि किसी तरीके से अर्जुन बिजलानी को या फिर मौनी रॉय को कोई से को भी इस सीज़न में अगर एंट्री मिल जाती तो ये सीज़न में 4 चांद लग जाते, लेकिन कितनी है सीज़न 4 का चार चांद लगाने के लिए 4 चांद ढूंढ लिए एकता कपूर ने। पहला चांद अंकिता लोखंडे, दूसरा चांद निया शर्मा, तीसरा चांद आपको पता ही है उसके साथ साथ में निया शर्मा के साथ साथ में जैस्मिन भसीन और उसके साथ साथ में शीतल जायसवाल। तो इसमें 4 चांद लगने की भी पूरी उम्मीद है और 4 चांद लगेंगे भी, क्योंकि ये शो जितना पॉपुलर और जितना TRP के मामले में ये शो आज तक रहा है
वो आप सभी को के लिए बता देता हूँ कि ये शो पूरा सुपरहिट रहने वाला है, क्योंकि आप इसे कलर्स टीवी पे देख पाएंगे। कलर्स टीवी की बात करें तो कलर्स टीवी का सबसे फेवरेट और सबसे पॉपुलर शो में से ये शो गिना जाता है। इससे पहले भी काफ़ी शो आए हैं, लेकिन नागिन शो आज तक जितना हिट हुआ इतना कोई भी कलर्स का शो हिट नहीं हुआ। कलर्स का सबसे बड़ा शो में गिना जाता है, जो सबसे बड़ा सीरियल है कलर्स का, यही है नागिन। नागिन की अब चौथी सीरीज आप लोगों के बीच में आ रही है। कुछ लोग इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी दिनों से वेट भी कर रहे हैं, तो आपके लिए जल्दी से जल्दी ये सीजन आने वाला है। इसके बारे में अगर किसी दोस्त को कोई कमेंट करना है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किसका इंतज़ार था और आपने मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज़।